बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा ऑर्गेनिक में अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहा है, ठीक है। और अभिक्रिया के प्रकार के अंदर हमने कुछ कर भी लिया है एक प्रकार, तो जिसको हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा था, इसके तीन प्रकार हम देख चुके हैं। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा हमने देखा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरा देखा है हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसके बाद हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद आज देखने वाले हैं योगात्मक अभिक्रिया। क्या देखेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। तो देखो इसमें भी वही तीनों प्रकार हमें देखने हैं, मुक्त मूलक, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो हमारा दूसरा प्रकार है आज योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाओं के मतलब है एडिशन रिएक्शंस, जहां पर कोई अभिकर्मक या क्रियाकारक आकर क्या करता है, जुड़ता है। और योगात्मक अभिक्रियाएं मोस्टली क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती हैं। कैसे? असंतृप्त यौगिकों के द्वारा, जैसे कि आपके डुअल या ट्रिपल बॉन्डेड यौगिक हो गए, या फिर आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए, यानी कि जिनमें द्विबंध उपस्थित होता है। क्या होता है? द्विबंध उपस्थित होता है, उन यौगिकों के द्वारा योगात्मक अभिक्रियाओं को संपन्न कराया जाता है। कैसे? देखो सपोज हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने ये ले लिया ए डुअल बॉन्ड बी, कोई यौगिक है, ठीक है। अब इस पर आपने क्या किया, एक्स टू का योग कराया। किसका करवाया? एक्स टू का योग करवाया, या एच एक्स का योग करवाया यहाँ पर आपने। तो एक्स टू का योग करवाया तो ये क्या होगा, ये एक्स टू जो है द्विबंधित, ये जो बॉन्ड है इस द्विबंध पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और अटैक कर कर क्या करेगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ए के साथ एक्स जुड़ गया और इधर बी के साथ भी एक्स जुड़ गया, तो ये एक योगात्मक उत्पाद हो गया। क्या हो गया? योगात्मक उत्पाद, ठीक है। मोस्टली ध्यान रखना है डुअल बॉन्डेड करेक्टर जहाँ पर होंगे, यानी जहाँ पर असंतृप्तता होगी, अनसेचुरेशन होगा, वहाँ पर इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होंगी, ठीक है। अब देखो योगात्मक अभिक्रियाएं जो हैं वो भी तीन प्रकार से संपन्न होती हैं। पहला आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सॉरी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, दूसरा हम कह सकते हैं नाभिक स्नेही, और तीसरा और लास्ट हमारा होगा मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। मुक्त मूलक योगा, बिल्कुल प्रतिस्थापन की तरह है, तीनों प्रकार हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। एक एक को देखते हैं विस्तार से विद एग्जांपल, उदाहरण के साथ, कौन सी किस प्रकार संप्लीट होती है। देखो सबसे पहला प्रकार हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया।
ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक का मतलब है कि इस प्रकार की जो रिएक्शन हैं उनमें द्विबंद पर इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है वो आक्रमण करता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है हमने देखा हुआ है पहले, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या होते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, ये पहले हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में यूनिट के। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ मोस्टली असंतृप्त यौगिक यानी एल्कीन और एल्काइनों पर संपन्न होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अधिकांशतः द्विबंध या त्रिबंध पर संपन्न होता है। दोनों में असंतृप्त है तो द्विबंध पर हो सकता है या त्रिबंध पर हो सकता है, यानी असंतृप्त जो यौगिक हैं एल्कीन और एल्काइन्स उन पर जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन योगात्मक या योग जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि हैलोजन अम्लों का जो योग है एल्कीन पर वो इसी का एग्जाम्पल है। किसका? हैलोजन अम्लों का योग। जैसे हम कहें CH2 डुअल बॉन्ड CH2 एथीन, ठीक है। तो देखो एथीन पर अगर आपने क्या किया, हैलोजन अम्ल HCl का योग करवाया, किसका करवाया? HCl का योग करवाया, तो ये क्या है आपको क्या मिलेगा? CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, क्या मिल जाएगा? एथिल क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पर ये सममित एल्कीन है तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ का रूल लागू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मार्कोनिक ऑफ का। तो उत्पाद यही बनेगा, आप इधर H जोड़ दो इधर Cl जोड़ दो या इधर Cl जोड़ दो इधर H जोड़ दो, उत्पाद आपका एथिल क्लोराइड ही रहेगा। तो इसलिए सममित एल्कीन्स पर क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ का जो रूल है वो लागू नहीं होता है। अगर असममित एल्कीन आ जाता है जैसे ये, तो फिर अब आपको थोड़ा देखना होगा कि इस पर क्या करवाना है, इस पर क्या करवाना है कि HCl का इस पर योग हो रहा है तो ये असममित एल्कीन है। प्रोपीन क्या है? है तो एल्कीन प्रोपीन, बट ये असममित है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो इसके ऊपर HCl का योग अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ होगा। इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसके अटैक करने से डुअल बॉन्ड पे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्था योगात्मक अभिक्रिया है, तो पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होगा। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, CH3। अब देखो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन है? ये प्लस और ये माइनस, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हाइड्रोजन प्लस है तो कहाँ जाएगा? माइनस पे, तो क्या बनेगा? CH+CH3। ये एक कार्ब कैटायन बन गया 2 डिग्री, क्या बन गया? कार्ब धनायन बन गया सेकेंडरी 2 डिग्री कार्ब धनायन, ठीक है। अब ये जो 2 डिग्री कार्ब धनायन है, जब इस पर पहले क्या जुड़ा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इसका दूसरा भाग जो है अभिकर्मक का Cl- ये जुड़ जाएगा कैटायन से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, Cl- को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3CHCl CH3 2-chloropropane, क्या बन गया? 2-chloropropane 2-chloropropane। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल हो गया हमारे सामने इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का, ठीक है। सममित है हैलोजन एसिड का, आप कैसे भी एडिशन कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने क्या है असममित एल्कीन है
तो ध्यान रखना है कि आपका जो योग है हैलोजन अम्ल का वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ होगा। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। और इसमें ध्यान रखना है पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करवाना है। किसका करवाना है? इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण होगा जिससे एक 2° कार्बधनायन का निर्माण होता है और 2° कार्बधनायन से हमें 2-क्लोरोप्रोपेन का निर्माण होता है। क्या होता है? 2-क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, कहाँ संपन्न होती हैं, असंतृप्त यौगिक जैसे कि एल्किन और एल्काइन्स पर कंप्लीट होती हैं और हैलोजन अम्लों का इन पर योग करवाएं तो इस तरह से उत्पाद बनता है ये वाला। अगर आपने इस एथीन पर ही क्या है X2 का योग करवा दिया, यानी कि ये CH2 डुअल बॉन्ड CH2 प्लस X2, तो आपको क्या है विस्निल डाई हैलाइड प्राप्त हो जाएंगे CH2X और CH2X, विस्निल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी क्या है योगात्मक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बी प्रकार। नेक्स्ट है अगला नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। नाभिक मीन्स न्यूक्लियोफाइल, तो इनको नाभिक स्नेही इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो अभिकर्मक अभिक्रिया करता है क्रियाकारक के साथ जो रिएजेंट होता है उसका नाभिक स्नेही भाग पहले आक्रमण करता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही भाग पीछे जुड़ता है सेकंड स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा संपन्न कराई जाती हैं, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, यानी कार्बोनिल यौगिक जो हैं वो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएँ देते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा था कि इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तत्पश्चात इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इसकी मैकेनिज्म को ऐसे दे सकते हैं, सपोज यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, और इस पर आपने क्या किया एडिशन करवाया, योग करवाया इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। तो देखो पहले अगर आपने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का योग करवाया तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या बनेगा पहले Nu जुड़ेगा प्लस पे जाके, तो आपके पास ये आ जाएगा Nu और इधर ऑक्सीजन और इस पर क्या रह जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस चार्ज है अब आप अगले स्टेप में क्या करोगे जो शेष भाग बच गया है इलेक्ट्रॉन स्नेही का वो जुड़ जाएगा और आपके पास उत्पाद बन जाएगा OeNu, ये क्या हो जाएगा ये बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसको नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये अभिक्रिया पहली बात तो कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। किसके द्वारा? कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। दूसरी बात, कार्बोनिल यौगिकों में जो धनावेशित कार्बन है उस पर पहले नाभिक स्नेही आक्रमण करता है NR, कौन करता है नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, इसलिए इन्हें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पर जुड़ेंगे सारे, क्या होंगे जुड़ेंगे सारे यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए क्या है इस तरह से इसकी क्रियाविधि को दिया जाता है। अब अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, क्या करें एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो आपने सपोज यहाँ पर हम कहें कि ये हमारा हो गया कार्बोनिल यौगिक, कोई भी हो सकता है XYZ, प्लस HCN का योग करवाया, तो देखो H प्लस और CN माइनस,
ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस में टूट जाएगा। भाई ये जो सी डबल बॉन्ड हो है इसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी कार्बोनिल ग्रुप की, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, हाइड्रोजन साइनाइड है HCN। ठीक है, अब देखो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है ये प्लस माइनस टूट गया, तो यहाँ पर देखो नाभिक स्नेही ये है NR, CN माइनस जो है नाभिक स्नेही का काम करेगा, तो पहले ये जुड़ेगा जाकर धनावेशित कार्बन पर, तो हमारे पास क्या आएगा CN O माइनस, ये स्थिति बनेगी। अब आप क्या है H प्लस को जोड़ सकते हो, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका जो एज ए इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो जुड़ेगा, तो आपके पास उत्पाद क्या आ जाएगा ये योगात्मक उत्पाद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है, पहले नाभिक स्नेही का योग होता है द्विबंधित कार्बन पर जो कि पॉजिटिव हो जाता है, और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं मोस्टली कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स के द्वारा, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों ही आते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। इन दोनों को ही सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है, या सीओ ग्रुप जो है वो दोनों का एक प्रतिनिधि सदस्य है या प्रतिनिधि करता है। अगर कार्बोनिल यौगिक कह रहा है तो उसमें आप एल्डिहाइड भी ले सकते हो और कीटोन भी ले सकते हो, और दोनों के अंदर जो क्रियाविधि होगी नाभिक स्नेही योगात्मक की या योग की वो इस तरह से होगी, पहले नाभिक स्नेही जुड़ेगा फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला पोर्शन जुड़ेगा। ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हो HCN का योग करवाया तो NR जो है वो CN है, CN माइनस एक नाभिक स्नेही का काम कर रहा है और ये नाभिक स्नेही का काम कर रहा है, तो ये कार्बन पे जुड़ेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव, बाद में H जो है सेकेंड स्टेप में और नेगेटिव ऑक्सीजन पर जाकर जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हमें एक योगात्मक उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी। ये हमारा क्या हो गया योगात्मक उत्पाद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं को क्रियाविधि और उदाहरण के साथ इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक, अब देखो इसमें यदि एक प्रॉपर एग्जांपल ले लें, अभी तो कार्बोनिल समूह पर था, तो देखो यहाँ पे देखो जैसे मैं ये ले लेता हूँ CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, एसटीएलडिहाइड है, कार्बोनिल यौगिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा CH3CO- कार्बन पॉजिटिव और H, यही होगा। अगले स्टेप में आपको क्या करना है HCN का एडिशन करवाना है, HCN या HCl ले लो कुछ भी ले सकते हैं, तो HCN का योगिशन करवाएंगे तो CN माइनस आपका नाभिक स्नेही की तरह काम करेगा और वो कार्बन पे जाके जुड़ेगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास CH3CCN HO-, ये मिलेगा। इसके बाद आप क्या है जो आपका HCN था, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, इसको तोड़ेंगे H प्लस प्लस CN-, दो भाग हो गए, तो एक भाग हमने यूज ले लिया है और दूसरा भाग यूज लेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H प्लस, ऐड करेंगे इसको, अब क्या होगा यहाँ पर CH3COH HCN, ये हमारा एक योगात्मक उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन टाइप में चला गया ये, OH भी है और CN भी है, तो ये क्या है एक साइनोहाइड्रिन टाइप में योगात्मक उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट है ये हमारा योगात्मक उत्पाद। ठीक,
और लास्ट हम देखते हैं योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रकार में मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। लास्ट प्रकार है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो मुक्त मूलक का मतलब है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो देखो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में आपको ध्यान का रखना है, अगर आप परोक्साइड यूज करते हो, यानी कि रिएक्शन को परोक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हो और कोई भी हैलोजन एसिड का योग करवाते हो, तो वो फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी। किससे होगी? फ्री रेडिकल क्रियाविधि से, ठीक है। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपने परोक्साइड के प्रेजेंस में हैलोजन एसिड का योग करवाया तो वो परोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, और यदि हैलोजन एसिड का योग विदाउट परोक्साइड करवा रहे हो, परोक्साइड का वहाँ पर कोई उपयोग नहीं है, तो फिर वो क्या है, आपकी एडिशन रिएक्शन जो है वो किस प्रकार से चली जाएगी, वो फ्री रेडिकल ने होकर इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन रिएक्शन में, जो कि हमने HCl का करवाया था, ऐसे ही HBr का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही हैलोजन हम लें, ठीक है। लेकिन अगर एरो के ऊपर आपने परोक्साइड नोट कर दिया है तो वो क्या है, परोक्साइड की उपस्थिति में होगी, और परोक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, जो क्रियाविधि है वो मुक्त मूलक प्रकार से संपन्न होती है। क्या होती है? मुक्त मूलक प्रकार से संपन्न होती है। देखो कैसे, सपोज हमने ये ले लिया CH3CH डुअल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, जिसको हम प्रॉपर प्रोपीन कह सकते हैं, ठीक है। इस पर आपने क्या किया, HBr का योग करवाया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और एरो के ऊपर आपने क्या किया, परोक्साइड लिख दिया, ठीक है। अब परोक्साइड कोई भी हो सकता है, एल्किल परोक्साइड हो सकता है, बेंजोइन परोक्साइड हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है। परोक्साइड में आपको ध्यान ये रखना है, ये तो लिखा हुआ है, अगर वो आपको परोक्साइड लिख के नहीं देता है, इस तरह लिख देता है तो भी ये परोक्साइड है, अगर वो ऐसे लिख देता है तो भी ये परोक्साइड है, हाइड्रोजन परोक्साइड, ये एल्किल परोक्साइड, और अगर इसके अलावा वो आपको ऐसे लिख देता है ये, तो भी ये बेंजोइन परोक्साइड है। तो टोटल आपको ये ध्यान रखना है कि दो ऑक्सीजन बॉन्ड यदि कंटिन्यूस आ रहे हैं, दिस मीन्स परोक्साइड। तो यहाँ आपको लैंग्वेज में लिख के दे दिया है उसने परोक्साइड के प्रेजेंस में, अगर वो लिख के नहीं देता है, आपको इस तरह की कोई संरचना देता है, तो आपको उस संरचना में देखना है क्या दो ऑक्सीजन तुरंत जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है इसको परोक्साइड बॉन्ड होते हैं। यौगिक में अगर पहचान करनी है परोक्साइड है या नहीं है, तो हमें फिर ये देखना होगा क्या उसमें परोक्साइड लिंकेज है। सिंपली यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा, एच फ्री रेडिकल बनेगा और बी आर फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। और ये जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ कंप्लीट होगी रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है मार्कोनिक ऑफ के विपरीत होगी, कैसे होगी, एंटी मार्कोनिक ऑफ,
एंटी मार्कोनिकोफ कंप्लीट होगी रिएक्शन, तो उत्पाद क्या बनेगा भाई, बनना तो क्या चाहिए, ये भी आपका क्या है, ये भी पाई बॉन्ड जो है वो एक फिर रेडिकल यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह से आने वाला है, CH3CH2CH2Br। प्रोपिल ब्रोमाइड या ब्रोमोप्रोपेन क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1-bromopropane ठीक है। तो ये क्या है आपका, मार्कोनिकोफ के विपरीत हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ ये क्या है, हाइड्रोजन यहाँ जाना चाहिए और बी आर यहाँ आना चाहिए, यही होता है। लेकिन यहाँ पर परोक्साइड प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होगी, इसके द्वारा मुक्त मूलक क्रियाविधि से कंप्लीट होगी। और ये क्या है, यहाँ पर भी ये बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा और एक एक फ्री रेडिकल दे देगा, तो एच इसके साथ और बी आर इसके साथ, तो आपका जो है 1-bromopropane उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से योगात्मक अभिक्रियाएं तीनों देखी हमने, एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, एक नाभिक स्नेही योगात्मक और एक फ्री रेडिकल, ठीक है। तो फ्री रेडिकल थोड़ी इम्पोर्टेंस हो जाती है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होती है, क्या होती है, एंटी मार्कोनिक ऑफ इफ आपको परोक्साइड जो है यहाँ पर प्रेजेंस में दिया हुआ हो, इसको हम क्या है, परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, या इसको हम खरास प्रभाव भी कहते हैं। अगर परोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो हम इसको परोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव भी कहते हैं, खरास प्रभाव पढ़ रखा है हमने 12th क्लास के अंदर, परोक्साइड या खरास प्रभाव क्या होता है हेलो एल्केन और एरेंज के अंदर। तो इस तरह से ये तीनों प्रकार जो हैं इसके कंप्लीट होते हैं, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं। तो दो प्रकार हम देख चुके हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन को पुनः तीन में बांटा, उसके बाद योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक का पुनः तीन का अध्ययन किया हमने, वही मुक्त मूलक, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है।